क्यों? हाय व्यूअर्स, आज हम आपको दिखाएंगे ऐसे नादर और नायाब जानवर जो पाकिस्तान में भी पहली बार देखे जाएंगे। और ना सिर्फ वो इस वजह से मुनफरिद हैं कि पाकिस्तान में पहली बार आए, बल्कि वो अपने छोटे कद की वजह से भी बहुत ज़्यादा मुनफरिद हैं। तो इस वक्त अगर मैं आपको दिखाऊं कि ये जो नस्ल है, ये बहुत ज़्यादा, एक तो अट्रैक्टिव बहुत ज़्यादा है, इसके अलावा ये जो अल्पाकाज होते हैं, इनके खाने पीने का भी ख्याल बहुत ज़्यादा रखा जाता है। और ये पाकिस्तान में पहली बार आए हैं, इनके अगर हम बात करें तो ये बहुत फ्रेंडली भी हैं, वाइल्ड एनिमल है लेकिन बहुत फ्रेंडली हैं और बहुत खुश रहते हैं ये, अगर इनको इनका एनवायरनमेंट दिया जाए तो। इनको अल्पाकाज कहते हैं, और ये जो हैं ये ऊँट जैसी इनकी नस्ल बताई जाती है, ये ऊँट की तरह दिख रहे होते हैं। और इनमें मुनफरिद ये भी है कि ये एक छोटा कद रखते हैं जो 2.5 से 3 फिट के दरमियान होता है और बड़ा अच्छा लगता है। इस वक्त पाकिस्तान में ये जो अल्पाकाज लाया है, ज़रा हम देखते हैं कि वो बंदा कौन है और वो ये शौक़ कैसे रखता है कि नादिर और नायाब जानवर पाकिस्तान में ला के ना सिर्फ इंट्रोड्यूस करवा रहा है बल्कि इनका शौक़, इनको पालना, इनको संभालने का ख्याल कैसे रखता है। तो हम बात करेंगे अलीम से। अलीम, ज़रा सा आप अगर थोड़ा आगे आ जाएं तो हम आपसे थोड़ी सी बात करेंगे। अलीम बताएंगे कि क्या क्या लाएं, अलीम क्या क्या जानवर लाएं और ये शौक़ कैसे आपके अंदर जो है वो आया? हाँ, ये शौक़ तो ऐसे आप कह सकते हैं कि ये एक जर्म्स हैं कि मेरे फादर से मुझे आए। मैं जब छोटा था तो मेरे फादर काफ़ी रेयर जानवर लेके आते रहते थे मेरे लिए, मोर, कबूतर, मुर्गियाँ, कभी कुछ, तो वहाँ से मुझे शौक़ हुआ। तो उसके बाद मैंने ऑस्ट्रिचेस पाली काफ़ी टाइम तक, फिर मैंने इंपोर्टेड आइटम्स पालना शुरू करे, फिर मुझे पता चलती कि आहिस्ता आहिस्ता चेन के कहाँ से मिलते हैं वगैरह वगैरह। तो फिर मैं अब ये जो चीज़ें पाकिस्तान में नहीं है, जो पाकिस्तान के इवन चिड़ियाघर में आपको ईजीली ना देखने को मिले, फिर मैंने वो इम्पोर्ट करना शुरू करी। तो उसमें ये हैं, अल्पाकाज हैं, डेयर्स हैं, कुछ पैटागोनियन मारा जो इस वक्त है वो पूरे पाकिस्तान में मेरे सिवा अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक किसी के पास नहीं है। वेलबीज़ हैं, जो उसका आप कह रहे हैं ड्राफ्ट कैंगरू, छोटे साइज़ के कैंगरू होते हैं, दुनिया के सबसे छोटे बंदर, पॉकेट मंकी, ये भी आपको कराची जू में भी देखने को नहीं मिलेंगे, ये भी मैं ही लेके आया पाकिस्तान। इसके अलावा काफ़ी वैरायटी के पिजन्स हैं, नई ब्रीड्स जो पाकिस्तान में नहीं है वो लेके आया मैं। तो ये सब चलते रहता है। और सो क्या बात है, अलीम ने हमें बताया कि किस तरीके से वो पाकिस्तान में नादिर और नायाब किस्म के जानवर लेकर ना सिर्फ आए हैं बल्कि उनका ख्याल भी बहुत ज़्यादा रख रहे हैं। लेकिन मैं अब बताऊं एनिमल लवर्स को कि वो ये सब कहाँ देख सकते हैं, तो बहादुराबाद से थोड़ा सा ही वसी है, कोकन पार्क के पास आकर भी अगर आप अलीम से रब्ता करना चाहें और ये जानवर देखना चाहें तो आपके लिए 24/7 ये सब खुला हुआ है और आप ये सब देख सकते हैं। तो एनिमल लवर्स, बिल्कुल जल्दी से उठिए और आइए और इन्जॉय कीजिए इन सब के साथ, क्योंकि ये ना सिर्फ बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं बल्कि इनके साथ खड़े होना, इनके साथ बैठना, इनके साथ खेलना बहुत अच्छा लग रहा है जी।